हरियाणा के हिसार में सेना का एक टैंक दुर्घटनाग्रस्त होने से कौसामी जिले के रहने वाले एक सैनिक शहीद हो गए। सैनिक की मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि कौसामी जिले के महेवाघाट थाना स्थित लगावा गांव निवासी शहीद नरेश कुमार मिश्रा सेना में सूबेदार के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि हरियाणा के हिसार में आर्मी के जवानों को टैंक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, तभी टैंक दुर्घटनाग्रस्त होकर पहाड़ी में पलट गया, जिसमें सूबेदार की मौके पर ही मौत हो गई। सूबेदार नरेश कुमार मिश्रा के शहीद हो जाने की खबर सेना ने परिजनों को दी और उनका पार्थिव शरीर लेकर लगावा गांव के लिए रवाना हुए। शहीद का शव पैतृक आवास पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया और जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ शहीद के घर इकट्ठा हो गई। इसी के साथ ही प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया और शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद के पार्थिव शरीर के साथ आए सेना के जवानों ने भी अपने साथी जवान को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि शहीद को राजकीय सम्मान के साथ नमाखों से अंतिम विदाई दी गई। साथ ही शहीद के सम्मान में गांव में शहीद स्थल, उनके गांव के अन्य कामों को कराए जाने के साथ ही परिवार के लोगों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। वहीं मौजूद लोगों ने शहीद के नाम पर नारे लगाए और सभी ने नम आंखों से शहीद नरेश कुमार मिश्रा को विदाई दी। कौशाम्बी से जनमत न्यूज के लिए राहुल भट्ट की रिपोर्ट।